मिल जाएगी नौकरी पे। दो चार जगह और बात कर लूंगी आज मैं, और फिर आपका आशीर्वाद है ना, कैसे नहीं मिलेगी नौकरी। ओ कोई ना स्वरण, ओ सांझा चूल्हा और तेरी बेबे जिंदाबाद। मेरे बेबे तो है ही जिंदाबाद। पर मैंने ज्यादा दिन आपको ये रोटियां बनाने नहीं देना बेबे, वो मेरा काम है, मैं करूंगी। ठीक है ठीक है, अब मैं चल रही हूं। अच्छा हुई साइकिल है, उस रात बड़े काम आई मेरे, उसका मालिक मिल जाए थे आज के लिए भी पूछ लेती हूँ मैं, और थैंक यू भी बोल दूंगी। हाँ जी बिल्कुल, वो आपके लिए ही तो खड़ी है, अपना अपना थैंक यू बोली दीजिए। वो तो फिर आ गया, पिछले बार की दुत्कार भूल गया तू, चल दफा हो तो, वरना मार मार के तुम्बा बना देना हमें तेरा। लो जी सवारी भी मेरी ते गालियां भी मेनू, आप तो थैंक यू बोलने वाली थी ना। तेरी सवारी? हाँ जी मेरी बहन दी है। वो नहीं चाहिए थी मैंने, फट अपनी साइकिल। ओ ना जी ना, गुस्सा नहीं वो पीछे बैठो, जिथे कहंदे उथे छड़ दिना, आ जाओ। ओ दुख तू इधर आ, नाना से तब मेनू देरी हो रही है। ओ तू इधर आ, देख जी तू 6 महीने का किराया पड़ा तेरा 6,000, और इस खटारा के तो तू 1,000 लगा ले, 6,000 का ब्याज समझ, और साइकिल मेरे हवाले कर। अच्छा जी ले फट। ओ नाना मेनू नहीं चाहिए थी। ओ यार तू ले। ते गल सुन, 200 रुपए किराया लगेगा तो उसका। 50। 200 का था? 50 क्यों? कल तंदूर पे मोहल्लेदारी के नाम पे डिस्काउंट किसने खाया था? आज तू मोहल्लेदार नहीं रही क्या, या हम मोहल्ले वाले नहीं है? हाँ तेरी सास तो जवाब नहीं, पता है मुझे। ठीक है ठीक है, ले जा। थैंक यू सिताबो, थैंक यू बेबे। ध्यान से जाना सुहा। हाँ, हाँ, बेबे। मम्मी बस छूट गई, आज तो एग्जाम है। हाय और अब्बा अब क्या करूँ? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? न्यू एरा स्कूल में। ओ, मैं छोड़ देती हूँ। सच्ची? हाँ पर दो को मैं थोड़ा साइकिल। नहीं आप इसे ले जाइए, इसका एग्जाम है, इसे तो मैं छोड़ दूंगी। इसका स्कूल तो पास में ही है। अच्छा ठीक है। और रुको, इसके भी 100 रुपए लगेंगे। हाँ हाँ मैं दे दूंगी। बापू जी हर बात के लिए पैसे। अपनी मेहनत और अपने टाइम की कीमत होती, और उसके बदले में जो मिले उसे कमाई बोलते। अब इसमें गलत क्या है बताना मुझे। ना जी कुछ गलत नहीं है, आप बिल्कुल अपनी बहन गुलाबो की तरह बात करते हो। चल चल उतर आ जा। उसे मिलना भी हो जाएगा और 150 रुपए की कमाई भी हो गई, बढ़िया है। वह बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी। और कुछ नहीं, चाय फड़ा कस्टमर नू। मैं ना, मैं स्वरण से बात करूंगा। वो ठीक है ना, मेरे साथ यहाँ ढाबे पे काम कर लेगी, और जो भी कमाएंगे आधा आधा बांट लेंगे, और फिर उसे दिक्कत भी नहीं होगी, वो बन जाएगी वो कहते हैं ना आत्मनिर्भर। हाँ बस वो इस बात के लिए राजी हो जाए। ओ बाबा जी वो इस बार स्वर्ण मेरी बात मान ले बस। चल यार संजू, नई बस्ती है, शायद आज वो मिल जाए। यस सर। जल्दी चला ले। ओए कमल, ये
आराम से उतर 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 छोड़ दो उतर। ठीक है कुछ नहीं और सब ठीक है ठीक। तेरी चोट नहीं लगी ना? और मैं तो नहीं बस्ती आ रहा था मैं देखा। और अब तो शुक्र है जी। और तू आ गया वरना पता नहीं उसे एक्सीडेंट ही हो जाना था मेरा। आरू के स्कूल जा रही थी मैं जी और इसकी भी बस छूट गई थी और पेपर भी इसका तो मैंने सोचा मैं ही छोड़ देती हूँ। दोनों का स्कूल एक ही है ना बेचारा। देखना ओ इसकी चैन पूरी ढीली पड़ी हुई है और इसका तो नट भी निकला हुआ है और पहिया निकल जाना था इसका। रब दा शुक्र है कुछ नहीं हुआ। और रब जाने पर साइकिल तो बिल्कुल ठीक थी ये कैसे? आंटी लेट हो रहा है। हाँ। ओ कोई चक्कर नहीं है पुत्र ओ पेपर छूट गया तो छूट गया ना और कह देना मम्मी ने छुट्टी करा दी। ओ चुप कर तू कुछ भी बोले जा रहा है कुछ कर सकता है तो कर ना जी ओ प्लीज। ओ एक मिनट रुको मैं लेके आता हूं। ओ पहुंच जाएंगे हम और रो ना चलता चुप चुप चुप। ओ स्कूल में ना पढ़ाई से ज्यादा बहाने सीखते हैं और मेरा जब स्कूल जाने का मन नहीं करता था ना तो मैं बहाने बना देता था। ओ तू ठीक करना अजीत। ओ किसका पेपर है तेरा? मैथ्स का। आजा आजा इतने आजा आज मैं तेन सिखाता हूँ जिंदगी का गणित। ये नट निकाला और यहाँ इसमें लगाया देख ले हो गई एकदम सही तेरी साइकिल। ओ बन गई? और की और देखा कितना आसान था। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ना ये सब सीखना भी जरूरी होता है। ओए आंटी है ना तेरी इन्हें भी साइकिल चलानी मैंने ही सिखाई थी। बताओ क्यों जी तू सही वक्त पे नहीं आता ना तो उसका पेपर छूट जाना था आज। और तेरे रहते ना किसी का कुछ नहीं छूटना। पर मेरा साथ कभी ना छोड़ने के लिए थैंक यू। वो तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चल चल पता आजा ऑल द बेस्ट। थैंक यू अजीत। माता जी सुनिए जरा। ओ माता होगी तेरी माँ? मेरी तो माँ नहीं पर आप माँ जैसी लगी तो अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। ओ इतना भी बुरा नहीं लगा बता क्या बात है? वो गुलाबो जी यहीं कहीं रहती है ना? हाँ ये दो घर छोड़ के आगे है। शुक्रिया आंटी जी। सॉरी आंटी जी तो कह सकता हूँ ना ये मनी प्लांट में ज्यादा पानी डालने से पौधा खराब हो सकता है। हम्म बड़ा आया ज्ञान बांटने वाला। दिल तो कर रहा था कि इसके सिर में भी एक कप पानी का डाल दूं मैं। सत श्री अकाल जी गुलाबो जी मैं ही हूँ जी। कोई शक है? पिंड में किसी से भी पूछ लो घर तक छोड़ के जाएंगे आपको। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ जी आ जाओ लंगा। टेलीफोन आ भी जी। ओए तू फिर आ गया ला आपने मैं याद ही इतना कर रही थी ओ मेरी हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थी और मैं कहा चलो जाके मिल लेता हूँ। और मैं तुझे याद कर रही होती ना तो तूने हिचकियां ले लेकर वहीं मर जाना था यहाँ ना तवेलियां मारने। ओए चल मेरे हाथ धुला जरा। कैसी कड़वी बातें करती हो आप। और मैं ना गर्मा गर्म हलवा पूरी लाया हूँ आपके लिए। और मुझे नहीं खाने तेरे हलवा पूरी क्या पता उसमें जहर डाल के लाया हो। वैसे भी कौन से जहर का सर होना बीजी आपने क्या बोला? और ना मैं कहा कुछ क्या पानी डाल। सांझा चूल्हा है कि है बीजी? हाँ मैंने खोला है कल 1300 रुपए की कमाई की है। कह रहे हो? और नहीं तो क्या क्या अर्जुन नहीं बस्ती गया है? जी मैम। हो गई ना इन्फॉर्मेशन पूरी? या आप खड़े खड़े क्या कर रही हो? क्या है रुपया? नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन अर्जुन को नई बस्ती के बारे में पता कैसे चला? मिसेस गुप्ता को फोन करके गुलाबो का नंबर लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने मिसेस गुप्ता के घर एक कुक भेजी थी। मेरी सिस्टर भी वहीं थी उस पार्टी में। उन्होंने बताया कि उस कुक ने बहुत ही कमाल का खाना बनाया था। हाँ जी हाँ जी वो क्या मेरे पास तो और भी हैं जी जो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। इंडियन बना लो इटालियन बना लियो पंजाबी बना लियो कोई भी बना सकती हैं। आप बताओ कौन सी चाहिए? नहीं 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 कोई दूसरी कुक नहीं मेरा मतलब है अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी का खाना वही कुक बनाए।
आप मुझे उनका एड्रेस दे सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल दे देती हूँ जी। पर ना जी, मैं हर काम के ना पैसे लेती हूँ। अब उसकी आप फिक्र मत कीजिए, आप बताइए कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा आपको। ओ बीजी, मैं तो ढाबे की बात करने वाला था। ओए लंबे, ओ मैं भी यही सोच रही थी कि तू तो ढाबे वाला है, तेरे से सलाह लेती हूँ। ओ बीजी, ये सांझा चूल्हा छोटा ढाबा ही है, और दो चार मंजिया रख दो, काम शुरू। ओए लंबे, पता कल का दिन ना मेरे लिए बहुत ही खास था, और मैंने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की जितनी कल की है। बीजी, ये काम बहुत बढ़िया है, वो आइडिया कमाल का है, और बस आप स्वर्ण से बताओ, क्योंकि वो ना आपको काम नहीं करने देना चाहती। उसे मनाना मुश्किल है, कैसे मानेगी वो? अब मैं मनाऊंगा उसे। सच? हाँ जी, आप बताइए, आप पहले मुझे उनका एड्रेस दीजिए प्लीज। हाँ जी, उससे पहले कुछ खा पी लीजिए, आज ही चाय लेके आओ, कुछ लस्सी लस्सी दसो की पियोगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप एड्रेस दीजिए ना प्लीज। एक मिनट। हेलो गुलाबो। हाँ जी गुलाबो बोल रही हूँ जी, आप कौन? अगर 5 मिनट में 25,000 रूपए कमाने हैं तो सामने जो आदमी खड़ा है उसे कुक का नाम और पता मत बताना। एक मिनट जी। अब क्यों जी? या तो सवाल कर लो या फिर कमाई। वैसे 25,000 रूपए बहुत बड़ी रकम होती है, तो बोलो डन। ओके जी, डन करो, डन। गुड। हाँ जी। ओए होए, मेरे दिमाग का तनु मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो भूल ही गई, वो जो स्वर्ण है ना वो तो चली गई है जी यहाँ से। स्वर्ण? स्वर्ण नाम है उनका। हम कुछ कर रहे हैं, मदद करेंगे आपकी, आप हौसला रखो जी। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आपको पता है, आप एड्रेस देने वाली थी मुझे। बहुत सारे काम होते हैं तो दिमाग से निकल जाता है, कौन आता है उसको रख लेते हैं, जो जाता है उसको भेज देते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछते हम। कोई तो जानकारी होगी आपके पास, उनका नंबर या कुछ? मेरे को कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। देखिए, अगर आपको कुछ पता चलता है या आपके पास वो वापस आती है तो आप प्लीज मुझे इस नंबर पर फोन कीजिएगा और मेरे लिए पूछिएगा अर्जुन देव। पर जी देखो, मेरी स्क्रीन टूटी पड़ी है, यहाँ से कुछ भी लगाओ लगता नहीं है, कुछ आता है पता नहीं चलता है, तो मैं क्या करूँ जी, कैसे लगाऊंगी जी आपका नंबर, है ना? कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये 10,000 रुपए। आप स्क्रीन भी ठीक करा लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा और डायल भी कीजिएगा, और अगर आपने मुझे उन तक पहुंचा दिया तो जितने पैसे मांगेंगे आप मैं उतने दूंगा आपको, आपको एक फोन भी दूंगा नया वाला। हाँ जी, आप मुझे फोन जरूर कीजिएगा। हाँ जी, कार्ड तो देते जाइए जी। हाँ जी, ठीक है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हेलो, वो बात ये थी कि मैंने उसको ना नाम और एड्रेस बिल्कुल नहीं बताया जी, पर चक्कर है कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं उनको एड्रेस बता दूंगी तो वो मेरे को मुंह मांगे कीमत देंगे। Really? हाँ जी। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हारे लिए बेशकीमती तोहफा खरीद कर तुम्हारे घर स्पेशली भिजवाया है। हाँ जी, गो 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 गो। अभी तो सिर्फ तुम्हारे नाम की प्लेट उड़ी है, वो भी नकली गोली के साथ। अगर मुंह बंद नहीं रखा ना तो अगला नंबर तुम्हारा होगा, सर उड़ेगा तुम्हारा इस बार, और इस बार गोली भी असली होगी। नहीं, मैं समझ गई हूँ जी, किसी को कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं करना है। गुड। ऐसा क्या है स्वर्ण में
जो एक उसके बारे में जानने के लिए कुछ भी देने को तैयार है और दूसरा उसकी पहचान छुपाने के लिए जान लेने को तैयार है। आखिर चक्कर क्या है? बेबे तो मान गई, अब बस स्वरण भी मान जाए। वो पता नहीं कब तक आएगी वो आरव के स्कूल से। कैसे पता लगाऊं तुम्हारा, अभी तो बस नाम ही पता चला है। एक काम कर संजू, आगे से लेफ्ट ले ले। ठीक है सर। सॉरी सर, मैं बात करता हूँ, डोंट वरी। I'm sorry भाई साहब। मैं अरे सॉरी दोस्त, एक्चुअली गलती मेरी है, वो मैंने ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। ओ नहीं जी, नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ओ होता रहता है जी। आपको लगी तो नहीं, स्कूटर ठीक है ना आपका? ओ ना जी ना, मेरा स्कूटर भी ना जी, मेरी तरह ढीठ है जी। ओ जी लेकिन आप यहाँ से बस्ती में? हाँ एक काम था, एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, वो यहीं कहीं रहती है। और मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, और मैं कर दूंगा जी आपकी मदद। वो एक कुक है, उनका नाम है। बारात क्यों लगा रखी है? हटाओ इधर से गाड़ियां, रास्ता रोक के बैठे हुए हैं आप। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। ओ जी रब करे जिसे आप ढूंढ रहे हो आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू। लॉयर की हमने फीस देनी है, वो त्रिलोचन सिंह का बेटा पीछे हटने को तैयार है। अगर हम केस हार गए ना तो ना जमीन रहेगी ना ढाबा। क्या हुआ दोस्त, कोई परेशानी? डोंट वरी, आपकी जो भी परेशानी है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। शुक्रिया जी। आप पंचायत बंद करो, निकलो इधर से। हाँ निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। आप क्यों गर्म हो रहे हो? जी वकील साहब, तो बताइए उस बंदे का ढाबा बंद कराने के लिए क्या है हमारा अगला कदम? अच्छा बच्चे, अच्छा 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 अच्छा, अरे मेरा बच्चा, चुप चुप क्यों है? पुत्र पुत्र आज मेरे साथ बैठ जा। नाना चुप 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 हो जा, चुप हो जा। क्यों रहा बच्चे है, क्यों रो रहा है? मैंने आपको बहुत मिस किया दी, मुझे आपके पास रहना दी। अरे मैं हूँ ना तेरे पास है? ओ देख तू, देख तो सही मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। टेंट, आलू के परांठे। कैसा बना है? यम्मी। एक्सक्यूज मी, सत श्री अकाल जी, मैं आरव बेदी से मिलने आई थी। आप कौन? ये मेरी दी है। दादी हूँ मैं इसकी। फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि आप उससे मिल गई। अब आप ही इसे समझाइए कि ये कल अपने स्कूल में होने वाले एनुअल डे फंक्शन में पार्टिसिपेट करे। सोल्जर बना है ये। नहीं, मुझे नहीं बनना सोल्जर, मुझे गन से डर लगता है। इतना उधर चीती करो, एक कहानी सुनानी है। बताए कल क्या हुआ? कल आरू है ना किडनैप हो गया। किडनैप? हाँ, फिर उन्होंने ना आरू को रस्सी से बांध दिया था। पुलिस आई थी? अरे पुलिस तो बहुत बाद में आई, पर उससे पहले आरव ने क्या किया पता है आप लोगों को? नहीं पता? मैं बता दूं? आरू बता दूं ना सबको? हाँ, आरव ना सत्यनाम वाहेगुरु जी का जप करने लगा। वो कैसे किया था बता बता? सत्यनाम वाहेगुरु। फिर क्या होना है? आरू एकदम निडर हो गया, एकदम हिम्मत आ गई, ताकत आ गई है ना आरू कल? और फिर वो डरा नहीं, फिर पुलिस आ गई और सबको पकड़ के ले गई। वेल डन आरू, यू आर वेरी ब्रेव। अब फिर तुम कल पार्टिसिपेट कर रहे हो ना? चलो बच्चों, गो टू योर क्लासेस। रुक, कुछ और भी लाई हूँ मैं तेरे लिए। देख, है बाबा जी का कड़ा लाई हूँ मैं तेरे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कड़ा ना हमेशा तेरी रक्षा करेगा और कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगेगा तुझे। हमेशा पहने रखना पुत्र।
करेगा ना परफॉर्म? नहीं। लेकिन क्यों पुत्र, अब तो तेरे पास कड़ा भी है। आप आओगे तो करूंगा पार्टिसिपेट। मैं तर... अगर आप नहीं आए ना जी तो मैं परफॉर्म ही नहीं करूंगा। ना 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 ना, अब आऊंगी मैं आऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस।